हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। यार आज हम आपके लिए लेके आए हैं हुंडई का एक बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट, जिसका कंपैरिजन अगर हम बोले तो हम इसको किया कार्निवल से कर सकते हैं। ये उससे बहुत ही ज़्यादा ह्यूज, बहुत ज़्यादा प्रीमियम एंड बहुत लग्जूरियस है। तो ये हमारी वैन है, ये बस नहीं है, ये वैन है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है और प्रीमियमनेस के साथ ट्रैवल करना चाहती है तो हुंडई आपके लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन लेके आया है, विच इज़ दिस। सबसे पहले हम इसके डिज़ाइन को देखते हैं कि गाड़ी हमें दिखती कैसे है। साइड से ही देख लीजिए सबसे पहले कि इसका डायमेंशन बहुत ह्यूज है, विड्थ इसकी नॉर्मल कार जितनी है, लेकिन लेंथ और हाइट के मामले में ये कार आपको बहुत क्लासी लगने वाली है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी है यार। ये टायर जो हमें यहाँ पे दिए गए हैं, ये आपके 18-inch अलॉय व्हील्स हैं। ORVM देखो यार, इतना बड़ा आपको बिग साइज़ में ORVM मिल जाता है। जो इसके डोर हैंडल्स हैं वो भी बहुत बिग है। विंडो साइज़, सी द विंडो साइज़, वाओ मज़ा आ जाएगा के वैन के अंदर बैठ के। आपको पीछे के साइड में भी बिग साइज़ के आपको विंडोज़ को मेंटेन किया गया है। मेनली पर्पज़ यहाँ पर यही है कि अगर आप कैबिन के अंदर बैठें तो आपको एग्जॉस्टेड फील ना हो, आपको बंद फील ना हो, आपको एयरी कैबिन लगे, आपको स्पेशियस कैबिन लगे। आप पीछे आएंगे तो यहाँ से तो आपको पूरा डॉन वाली फीलिंग आती है। वाओ, व्हाट अ लवली डिज़ाइन ऑफ LED टेल लैंप्स, जो बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप ये सेगमेंट्स देख रहे हैं, डिज़ाइन एलिमेंट को देख रहे हैं, यहाँ पे कितने प्यार से मेंटेन किया गया है। मतलब डिटेलिंग की अगर मैं बात करूं तो एवरीथिंग इज़ फैबुलस। ब्लैक कलर में गाड़ी बहुत ख़तरनाक लग रही है। ये यहाँ पर इसको अगर आपको इसका बोट ओपन करना है तो आप यहाँ से सिंपली करेंगे एंड सी इट्स साइज। कैमरा ऊपर गया, वाइपर भी ऊपर चला गया है, और उसके बाद हमारे पास इतना स्पेस यहाँ पर क्रिएट होता है जो कि काफ़ी कम है। और अगर आपको अपने बूट स्पेस को इनक्रीज़ करना है तो सिंपली आप इसे पुल करेंगे एंड इसको पुश करेंगे तो आप इतना बूट स्पेस यहाँ पर और क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको इन सीट्स को डाउन करना है तो वापस इसको लाइए इसकी पोजीशन पे और फिर आप इसको इस तरीके से डाउन भी कर सकते हैं। बट उसके लिए आगे वाली सीट्स को थोड़ा और आगे करना पड़ेगा ताकि ये पूरा प्रॉपरली फ्लैट हो जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट रो में 3 लोग बैठ सकते हैं और तीनों के लिए सेपरेट आपको हेड रेस्ट दिए गए हैं। इसको क्लोज़ करना बड़ा आसान है, थैंक गॉड ये मैनुअल नहीं है, अदरवाइज़ लटक के करना पड़ जाता। और आप देख रहे हैं यहाँ पे जो विंडो साइज़ है, बेसिकली वो नोट करने लायक चीज़ है। इतना बिग विंडो साइज़ यहाँ पर दिए गए हैं, छोटे छोटे यूनिट नहीं दिए गए ताकि आपको ना बहुत एयरी लगे। और जो ये लाइट का डिवीज़न भी है, ये 2 पार्ट में ऐसा लग रहा है, बाहर से देखेंगे तो लगेगा सिंगल यूनिट है, लेकिन ये अलग से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था, जैसे ही ओपन होता है तो वो आपका इसके गेट के अंदर ही अटैच है। चलिए अब चलते हैं कार के इस वाले रो में, जो है इस कार की 3rd रो। यहाँ पर जाने के लिए आप इसको ऐसे डाउन करेंगे और नीचे के साइड में जैसे आपको नॉर्मल कार्स में दिया जाता है वही आपको कंट्रोल दिया। अगर बहुत लाइट है ये, मतलब मैं भी बहुत इजीली कर पा रही हूँ यार, ये आपका आगे चला गया। अब आपके पास इजी एक्सेस है पीछे की तरफ मूव करने के लिए, लाइक दिस। यहाँ पर आपको कैप्टन सीट दे दी गई है, बहुत अच्छा है ये, ताकि अगर आप पीछे जाना चाहें तो आपके पास ईजी एक्सेस है। और इस कार की ना हाइट काफ़ी है तो बहुत आराम से आप पीछे भी जा सकते हैं, लेकिन मैंने वो सीट ओपन नहीं कर रखी इसलिए मैं जा नहीं रही हूँ। अब देखिए अगर मैं 3rd रो में बैठती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर बहुत सारी जगह है, बहुत आराम से कंफर्टेबली मैं बैठी हूँ। यू हैव इनफ ऑफ नी रूम, मैं ये नहीं बोल रही कि डिसेंट साइज़ है, अच्छे साइज़ का आपको नी रूम मिल जाता है। और हेड रूम की तो बात ही मत कीजिए, बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है। गाड़ी के अंदर आपको जगह जगह AC वेंट्स दिए गए हैं हर पैसेंजर के लिए, ताकि आप आराम से बैठ के कंफर्ट के साथ अपने राइड को एंजॉय कीजिए। हैंड रेस्ट जो आपके हैं ये मूवेबल है, अगर आप चाहते हैं तो रखिए, अदरवाइज़ इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं, लाइक दिस। अब बात करते हैं कि इन दोनों रोज के लिए क्या क्या चीज़ें गिवन है हमारे पास। तो देखिए यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, इन पैसेंजर के लिए भी और पीछे वाले के लिए भी। यहाँ पर भी आपके पास स्पेस है, कप भी आ जाएगा, कुछ और भी रख सकते हैं। 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट भी आपको मिलते हैं और ये सेम सेटअप आपको दोनों साइड पर मिलेगा। मैनुअल सन ब्लाइंड भी आपको दिए जाते हैं ताकि जो पीछे हैं वो भी धूप में ना मरे भैया, उनके भी कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा गया है। चलिए अब मैं चलती हूँ 2nd रो पे और वहाँ बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। अब देखिए मैंने इस सीट को एडजस्ट किया है पीछे वाली सीट के मैक्सिमम कम्फर्ट के हिसाब से, तो देखते हैं अब यहाँ कितना स्पेस मिलता है। अब देखिए यहाँ के कम्फर्ट की बात करें तो इस रो में भी आपको काफ़ी कम्फर्टेबल फील होता है। थाई सपोर्ट बहुत अच्छा दिया गया है इस कार में, चाहे हम यहाँ बैठे रियर में, चाहे आप बैक सीट पर बैठिए, थाई सपोर्ट अच्छा खासा मिल जाता है। स्पेस आपको दिखाई दे रहा है कि कितना सारा है, यू हैव प्लेंटी ऑफ स्पेस, आप बहुत ही ज़्यादा एयरी फील करने वाले हैं इस कैबिन में। सेंटर में आपको 2 USB पोर्ट दिए गए हैं और जो ये सीट आपको दिखाई दे रही है अभी पीछे से, जो मैं देख रही हूँ इसे, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये ट्विन कप होल्डर है,
दो स्टोरेज दिए गए हैं यहाँ पे, आपको ट्रे दिया गया है, बट अगर आप इसको अप कर देंगे तो ये आपकी एक और एडिशनल सीट बन जाएगी। क्या बात है, छोटे से बच्चे को बिठा सकते हैं, बच्चों को बड़ा शौक होता है आगे बैठने का, और उसको बेल्ट भी दी गई है ताकि वो सेफली बैठे। यहाँ आपको एसी कंट्रोल यूनिट यहाँ पर भी दी गई है। इस कार में आपके पास टू जोन एसी कंट्रोल है, एक आपके फ्रंट पैसेंजर्स के लिए, ड्राइवर एंड पैसेंजर के लिए, उसके बाद जो ये वाला यूनिट है ये रियर से लेकर बैक तक सबके लिए। चलिए अब चलते हैं आगे। और ओपनिंग क्लोजिंग बहुत ईजी है आपकी, जैसे आपको कार्निवल में मिलती है बिल्कुल सेम उसी टाइप से है ये। और जब आपको इसको क्लोज करना है तो आप सिंपली इस बटन को प्रेस करेंगे और बंद। फ्रंट में हम आते हैं तो देखिए, सबसे जो मेन चीज़ मेरे नोटिस में आ रही है ना, इस कार की बिल्ड क्वालिटी ज़बरदस्त यार। क्या भारी भारी डोर हैं, सिर्फ देखने में ह्यूज साइज़ नहीं है, क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। एक चीज़ छूट गई थी, जो आपके रियर पैसेंजर हैं, इस सीट के अलावा तो यार किसी और पीछे वाली सीट की तो विंडो खुलने वाली नहीं है। इसकी भी विंडो की जो ओपनिंग है वो बड़ी यूनिक है। नॉर्मल आपको बटन प्रेस नहीं करना, थोड़ी जुगत लगानी होगी, थोड़ा दम लगाना होगा, वो है आपका इस तरीके से। आप इसको करेंगे पीछे और इसलिए इस तरीके से यहाँ तक आपका ये खुल जाता है। बस की याद आ गई ना, वो याद इन्होंने कायम रखी है। पीछे वाले विंडो कंट्रोल आपको मैंने बता दिए, यहाँ पर आपके पास ड्राइवर एंड पैसेंजर के लिए विंडो कंट्रोल दिए गए हैं, लॉक एंड लॉक, ORVM कंट्रोल। गाड़ी के अंदर आपको स्टेपर जगह जगह मिलेंगे, अलग अलग डिवीजन के साथ स्टेपर कार के अंदर ही बनाए गए हैं, ये बाहर से विजिबल नहीं होते, गाड़ी का पार्ट है, इंटीरियर पार्ट है ये, जो आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है इस कार के अंदर चढ़ने के लिए। यहाँ पे ग्रैब हैंडल कहाँ है भाई। चलिए जी अब आ जाते हैं स्टेयरिंग पे, जो बिल्कुल मेरे मुंह की तरफ आया हुआ है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, ये दोनों आपके पास सेटिंग है और ये थोड़ी हार्ड सेटिंग्स हैं। स्टेयरिंग आपको वही क्रेटा की फीलिंग देने वाला है, बिल्कुल वैसा ही आपको लगने वाला है। ब्लैक पियानो फिनिश का यूज़ किया गया है। यू हैव क्रूज़ कंट्रोल और यहाँ पर आपके पास इंफोटेनमेंट के कंट्रोल दिए गए हैं। यहाँ से MID की आप सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख रहे हो सामने, जैसे हमारा इंफोटेनमेंट होता है ऐसा स्टैंडिंग फॉर्म में आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जो आपको फुल ऑन डिजिटल स्क्रीन है। ये वाला यूनिट आप देखोगे ये कंप्लीट ब्लैक पियानो फिनिश में है। यहाँ पे टच में आपको इंफोटेनमेंट मिल जाता है। इस कार के अंदर भी आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो दोनों मिलते हैं और दोनों आपके वायरलेस हैं। कई फंक्शन हमें यहाँ पर ऐसा इल्यूजन दे रहे हैं कि ये हमारे मैनुअल बटन्स हैं, ये मैनुअल नहीं है, ये टच है सब। मैनुअल आपके पास सिर्फ ट्यूनिंग के लिए और वॉल्यूम के लिए ही है। उसके नीचे मूव करेंगे, ये आपकी AC कंट्रोल यूनिट है। यहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। इस कार में आपको वायरलेस चार्जर भी मिलता है, जिसकी जगह यहाँ पर प्लेस की गई है। और अगर हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पर कि मेरा भैया गियर लीवर क्या है, गियर नॉब हो, कुछ तो हो, तो वो कुछ नहीं है इस कार में। सिंपल आपके पास ये बटन्स हैं, आपको ये प्रेस करना है और आपकी कार काम करने लग जाएगी। स्टार्ट स्टॉप बटन आपको यहाँ दिया गया है। नीचे के साइड पे आपको दो USB पोर्ट मिलते हैं और एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। उसके नीचे भी आपको काफ़ी सारी जगह मिल जाती है और ये भी जगह है यहाँ पर। ये देखिए ऊपर, यहाँ पर भी आपके पास जगह है। ग्लव बॉक्स देखोगे तो प्यार हो जाएगा गाड़ी से, इतना बड़े साइज़ का ग्लव बॉक्स है। इतनी बड़ी कार है, उसमें छुटंकू सा ग्लव बॉक्स दिया है हमने। लेकिन यस, बहुत नीट एंड क्लीन, फिट एंड फिनिश वाइज काफ़ी अच्छी लगती है गाड़ी। यहाँ पर जो सेंटर में आपको मैंने बताया था पीछे से ही कि आपको कप होल्डर और ट्रे मिल जाती है, लेकिन बेसिकली ये सीट है हमारी, जिसको आप इस तरीके से सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ड्राइवर से थोड़ा इसको सेपरेट आउट किया गया है ताकि उनको किसी टाइप का डिस्ट्रैक्शन ना हो, वो अपना अलग बैठ के चलाएं और यहाँ वाले दोनों अपना जो मर्जी लड़ाई झगड़ा जो करना करते रहिए। AC वेंट्स अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको एकदम कनेक्टेड फॉर्म में दिए गए हैं, डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी है, लेकिन बीच का काफ़ी सारा पार्ट इसमें डेड रखा गया है। और वेंट्स हमारे वही बेसिक्स हैं जैसे मिलते हैं, लेकिन डिज़ाइनिंग की वजह से आपको ऐसा इल्यूजन आएगा कि बहुत ही बड़ा वेंट आपको मिल जाता है। ऊपर भी बहुत स्मार्ट सी यूनिट आपको दी गई है, ये आपकी लाइट्स हैं यहाँ पर। ये जो दोनों कंट्रोल है, इससे आपके जो रियर के डोर्स हैं वो दोनों आप ओपन या क्लोज जो करना चाहें वो कर सकते हैं। अगर उन डोर्स को इनएक्टिव करना चाहते हैं, मतलब पीछे वाले अपनी मर्जी से नहीं खोल पाएंगे, तो आप पावर डोर ऑफ कर देंगे बैक के लिए और यहाँ से आपका बूट ओपन हो जाएगा। ये आपका बेसिकली जब आप डोर ओपन होता है, कार के अंदर लाइट ऑन हो जाती है ना, उसको ऑफ कर सकते हो आप यहाँ से। चलिए अब चलते हैं कार के फ्रंट में, स्टार्टिंग से मतलब फ्रंट से गाड़ी कैसे दिखती है वो देखते हैं और बात करते हैं इसके इंजन के ऊपर भी। फ्रंट से अगर हम देखेंगे ना दोस्तों, आजकल हुंडई अपनी सारी कार्स में यही डिज़ाइन लैंग्वेज दे रहा है, यही LED बार आपको इस तरीके से मिलता है, जो अच्छा भी काफ़ी दिखाई देता है। फ्रंट कैमरा आपका यहाँ पर प्लेस किया गया है, बहुत स्टाइलिश से आपको ग्रिल मिल जाती है, काफ़ी डिफरेंट सा पैटर्न है इसमें यूज़ किया गया, जो अच्छा दिखाई दे रहा है। पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं और इसी थीम को नीचे की तरफ भी कैरी ऑन किया गया है,
जिसकी वजह से जो आपकी ग्रिल है वो थोड़ा सा विड्थ को ऐड करती है। टर्न इंडिकेटर आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर इस टाइप से आपको टर्न इंडिकेटर मिलते हैं जो काफ़ी स्टाइल लग रहा है। हेडलैम्प स्ट्रक्चर में आपके पास LED हेडलैम्प्स का यूज़ किया गया है जिनका थ्रो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाकी अगर किसी वैन से हम इसे कंपेयर करते हैं तो। और ये आपका पार्ट जो कई लोगों को लगता है कि टर्न इंडिकेटर की तरह काम करने वाला, ये वो नहीं है, ये आपका DRL है। जैसे ही आप कार को स्टार्ट करेंगे तो ये आपके ऑन हो जाएंगे। इंजन की अगर आप बात करेंगे तो इस कार के अंदर 2.2 लीटर डीजल इंजन का यूज़ किया गया है जो आपको पावर देता है 177 हॉर्स पावर की और आपको टॉर्क मिल जाएगा यहाँ पर 431 न्यूटन मीटर का जो आपको इस साइज़ के व्हीकल के लिए काफ़ी डिसेंट है। तो अगर दोस्त आपकी फैमिली का साइज़ है बड़ा, आपको चाहिए कम्फर्ट, आपको चाहिए ड्राइव परफॉर्मेंस और आपको चाहिए लग्जरी, तो ये हुंडई का बहुत अच्छा सोल्यूशन है। अभी ये गाड़ी इंडिया में अवेलेबल नहीं है लेकिन अगर आप इसको इंपोर्ट कराएंगे तो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ने वाली है। यहाँ पर थाईलैंड में ये 40 से 45 लाख में आपको मिल जाती है। उम्मीद करते हैं जल्दी से इसको इंडिया में भी लेके आए और इसी प्राइस ब्रैकेट के अंदर अगर लेके आएंगे तो जो बिग साइज़ फैमिली वाले लोग हैं जो आज भी जॉइंट फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उनके लिए बहुत प्यारी सौगात होने वाली है हुंडई की ये कार। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे दोबारा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग कार के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा खुश रहिए। लव यू ऑल।